आईपीएल 2022 में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। वॉर्नर हैदराबाद में नजर नहीं आएंगे, धवन दिल्ली में नजर नहीं आएंगे और हार्दिक पांड्या मुंबई में। पांड्या को अहमदाबाद का कप्तान बनाकर फिक्स कर दिया गया है, लेकिन हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका रिप्लेसमेंट खोजना मुंबई के लिए टेढ़ी खीर होगी, मतलब बड़ा मुश्किल काम होगा। हार्दिक के वो छक्के, हार्दिक के वो दनदनाते हुए शॉट मुंबई जरूर मिस करेगी। जनाब केवल इतना ही नहीं, मुंबई हार्दिक के कई ऐसे रिकॉर्ड भी मिस करेगी जो इस खिलाड़ी ने मुंबई में रहते हुए अपने नाम किए हैं। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हार्दिक मुंबई को क्यों इतना याद आएंगे। तो सबसे पहले हार्दिक की बल्लेबाजी की बात करते हैं। हार्दिक मुंबई के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी हैं। मुंबई में रहते हुए हार्दिक का स्ट्राइक रेट 153.91 का रहा। इतना ही नहीं, हार्दिक मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर हैं। हार्दिक ने मुंबई की तरफ से खेलते हुए 98 छक्के लगाए हैं। हार्दिक मुंबई की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी अपनी जगह रखते हैं। एक पारी में हार्दिक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। हार्दिक ने एक पारी में 9 छक्के लगाने का कारनामा किया हुआ है। एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी में भी हार्दिक दूसरे नंबर पर हैं। एक पारी के दौरान हार्दिक 312 के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके हैं। अब बात फील्डिंग की भी कर लेते हैं, तो मुंबई की टीम में खेलते हुए हार्दिक ने कुल मिलाकर 53 कैच लपके। मुंबई की तरफ से इतने कैच लपकने वाले हार्दिक तीसरे खिलाड़ी हैं। मुंबई की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लपकने के मामले में भी हार्दिक का दबदबा है। मुंबई की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले हार्दिक दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। हार्दिक ने एक पारी में 3 कैच लपके हैं। अब हम आपको हार्दिक का वो रिकॉर्ड बताएंगे जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि हार्दिक क्यों बड़े खिलाड़ी हैं। हार्दिक अकेले ऐसे भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिसने एक सीजन में 400 से ज्यादा रन और 10 से ज्यादा विकेट चटकाए हों। ये कारनामा हार्दिक ने साल 2019 के सीजन में किया था। मुंबई की तरफ से नंबर 6 पर खेलते हुए हार्दिक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। नंबर 6 पर खेलते हुए हार्दिक ने 91 रन का स्कोर बनाया था। अब ये समझिए कि हार्दिक क्यों एक बेहतर फिनिशर थे। तो मुंबई की तरफ से खेलते हुए हार्दिक अकेले ऐसे भारतीय हैं जिसने एक ओवर में 25 से ज्यादा रन बनाए हो। उसके बाद अगर हर गेंद पर सिक्स लगाने का औसत देखें तो हार्दिक लगभग हर 10वीं गेंद पर छक्का लगाते हैं। तो ये वो कारण है जिनके चलते मुंबई की टीम हार्दिक जैसे खिलाड़ी को जरूर मिस करेगी। हार्दिक ने मुंबई में रहते हुए न केवल बल्ले से बल्कि गेंद और फील्डिंग में भी कमाल करके दिखाया है। हार्दिक इस परफॉर्मेंस के चलते ही आज इस खिलाड़ी को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आपका इस खबर पर और हार्दिक पांड्या पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।